दोस्तों, अगर आपके पास केनरा बैंक का एटीएम कार्ड है तो आप इसका कैसे एटीएम पिन घर बैठे बना सकते हैं, चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। एटीएम पिन बनाने के लिए आपको किसी भी केनरा बैंक के एटीएम मशीन में नहीं जाना पड़ेगा, आप घर बैठे बना सकते हैं। कैसे, चलिए आपको दिखाते हैं बना करके। तो इसके लिए देखिए, पहले आपको केनरा बैंक के मोबाइल ऐप को ओपन करना होगा और आपको इसका एक्टिवेशन करना होगा, आप यहीं से अपना एटीएम पिन बना सकते हैं। तो मेरा देखिए ऑलरेडी एक्टिवेशन किया हुआ है, चलिए ऐसा अपना एम पिन डाल करके आपको लॉगिन करके और एटीएम पिन बना करके दिखाते हैं। तो यहाँ से अपना एम पिन डाल के जैसे लॉगिन किया तो कुछ इस प्रकार से देखिए हमें डिस्प्ले मिल गया, आप देख सकते हैं। उसके बाद एटीएम कार्ड का पिन बनाने के लिए आपको थोड़ा सा नीचे आना होगा कुछ इस प्रकार से स्क्रॉल करके। जब आप नीचे आते देखिए आपको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे कार्ड का, उसके बाद ऑप्शन मिलता है मैनेज कार्ड का, तो इसी के ऊपर क्लिक कर लेना होता है। जैसे इसके ऊपर क्लिक कर रहे हो तो आपके उनके साथ जो भी आपका एटीएम कार्ड एक्टिव रहेगा लिंक रहेगा उस एटीएम कार्ड का देखिए डिटेल शो हो जाएगा, आप देख सकते हैं मेरे उनके साथ मेरा एटीएम कार्ड दिख रहा है। उसके बाद देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे कार्ड डिटेल देखने के लिए, जैसे आप यहाँ से 100 ऊपर क्लिक करते हैं आपके एटीएम कार्ड का पूरा डिटेल दिख जाएगा, जो भी टोटल नंबर रहेगा टोटल नंबर दिखेगा, सीसीबी नंबर सब कुछ दिख जाएगा। सीसीबी नंबर देखने के लिए ऑप्शन मिलता है देखिए सीसीबी का ब्लैक में ऑप्शन मिलता है 100 का, तो इसी के ऊपर क्लिक करना होता है तो आपका सीसीबी नंबर भी दिख जाएगा और आपको आगे ये सीसीबी नंबर डालना भी पड़ेगा। आप एक बार देख करके कहीं कॉपी पे लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना होगा, जब आप नीचे आते हैं देखिए आपको ऑप्शन मिलता है पिन जनरेशन का, तो इसी के ऊपर क्लिक करना होता है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं देखिए पहले बोल रहा है कि न्यू पिन, जो भी अपना एटीएम कार्ड का पिन रखना चाहते हैं बनाना चाहते हैं आप यहां पे 4 डिजिट का डाल दीजिए। उसके बाद देखिए बोल रहा है कन्फर्म पिन, तो आपको दोबारा से वही एटीएम पिन यहां पे डालना होगा जो कि ऊपर में डालिएगा। उसके बाद देखिए बोल रहा है कि एक्सपायरी डेट, तो ये रहा है एक्सपायरी डेट, आपको 100 के ऊपर क्लिक करके जो कॉपी पे लिख करके रखेंगे आपको डाल देना होगा। उसके बाद नीचे में आपसे मिलता है प्रोसीड का, जैसे आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हैं उसके बाद आपको अपना एम पिन डालने के लिए कहा जाएगा। जैसे अपना एम पिन डाल देते हैं आपका एटीएम कार्ड का एटीएम पिन सक्सेसफुल बन जाएगा, आपको कहीं विजिट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन देखिए मेरे कार्ड का ऑलरेडी पिन बना हुआ है, मेरे पास एक एटीएम कार्ड बिल्कुल न्यू कार्ड आया था, तो यहाँ से मैं अपने एटीएम पिन बना लिए थे। एटीएम पिन बनाने के लिए हमें अपने नियरेस्ट के एटीएम मशीन में नहीं जाना पड़ा था। अगर आपके पास भी एटीएम कार्ड है केनरा बैंक का तो आप कुछ इस प्रकार से एटीएम पिन बना सकते हैं। अगर बाद में चल के अपना एटीएम कार्ड का पिन भूल जाते हैं तो आप दोबारा से फॉरगेट करके अर्थात यहीं से अपने एटीएम कार्ड का एटीएम पिन चेंज भी कर सकते हैं कुछ इसी प्रोसेस को फॉलो करके। आज जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मन में कोई कन्फ्यूजन कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।